क्या आपने हर हर शंभु गाना सुना है? जी हाँ, वही गाना जो सावन के महीने में हर घर में गूंज रहा था। इस गाने को गायिका के YouTube अकाउंट से हटा दिया गया है। फरमानी नाज को रातों रात स्टार बनाने वाले इस गाने को गायिका के YouTube अकाउंट से हटा दिया गया है। लेकिन YouTube ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों YouTube ने इतने लोकप्रिय गाने को अचानक फरमानी नाज के चैनल से हटा दिया? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। हाल ही में शिवजी का फेमस गाना हर हर शंभू काफी चर्चा में रहा है। यह गाना जितना अपने लोकप्रियता के लिए सुर्खियों में बना रहा है, उतना ही इस गाने को गाने वाले सिंगर फरमानी नाज भी खबरों में रही। मुजफ्फरनगर की रहने वाली फरमानी नाज को रातों रात इस गाने ने स्टार बना दिया, लेकिन उसके बाद इस गाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ। दरअसल मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली फरमानी नाज के हिंदू देवता शिव के भजन गाने पर मौलानाओं ने आपत्ति जताई। जी हाँ, खुद फरमानी नाज ने भी न्यूज चैनलों में इस मुद्दे पर अपनी राय भी रखी। अब फरमानी नाज को एक बड़ा झटका फिर से लगा है। दरअसल फरमानी नाज के ऊपर गाने की चोरी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि गाने के लेखक जीतू शर्मा ने कई बार इसे लेकर फरमानी को चेताया और नोटिस भेजने के लिए भी कहा, लेकिन फरमानी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक जिस गाने की वजह से फरमानी नाज को लोकप्रियता हासिल हुई, वह असल में उनका ओरिजिनल गाना था ही नहीं। वह गाना अभिलिषा पांडे का रिकॉर्ड किया हुआ गाना था। जी हाँ, लेखक जीतू शर्मा ने हर हर शंभू गाने को अभिलिषा पांडे से रिकॉर्ड कराया था। मीडिया से बातचीत के दौरान जीतू शर्मा ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि हमें फरमानी नाज के गाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि वह गाने का क्रेडिट हमें दे, क्योंकि इस गाने को लिखने और गाने के पीछे हमने काफी मेहनत की है। जीतू शर्मा ने यह भी कहा कि फरमानी नाज इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि यह गाना उनका ओरिजिनल नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने इसकी लगातार अनदेखी की। आखिरकार जीतू शर्मा के विरोध के बाद फरमानी नाज के इस गाने को YouTube से हटाना पड़ा, क्योंकि गाने का असली कॉपीराइट जीतू शर्मा के पास है। अब जीतू शर्मा की शिकायत के बाद YouTube ने फरमानी नाज के YouTube चैनल के खिलाफ एक्शन लेते हुए इस गाने को YouTube से हटा दिया।